Hello students, welcome to DNA classes, and my today's video is about the class 12th chemistry preparation. Class 12th chemistry ka preparation kaise karna hai? Already aap ek mahina apne schools mein padh chuke hain. I think one or two lectures har school mein cover ho gaya hoga chemistry ka. Aap logon ne chemistry padhna start kar diya hoga. Aap logon ne jin logon ne ye feel kiya hai ki chemistry टफ़ है या हमको लर्न नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ. आपको बिल्कुल भी केमिस्ट्री को लेकर डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है. इस वीडियो में मैं आपको पूरे साल भर की स्ट्रैटेजी बताऊँगी, कुछ टिप्स मैं आपको दूँगी. आपने वो स्ट्रैटेजी फॉलो करना है और फिर देखिएगा विद इन 3 मंथ्स आपके अंदर भी केमिस्ट्री को लेकर उतना ही कॉन्फिडेंस होगा जितने आपके अदर जो क्लासमेट्स हैं उनके अंदर है. देखिए हाँ, एक चीज़ और, यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. देखिए जो केमिस्ट्री हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री है, इनिशियली मैंने देखा है कि हर स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग में. वो लोग कोचिंग्स की तरफ भागने लगते हैं या प्राइवेट ट्यूशंस की तरफ वो लोग भागने लगते हैं. बिल्कुल मत डरिए, आप बहुत रिलैक्स होकर इन टिप्स को फॉलो करिए, ये स्ट्रैटेजी आप बनाइए. आपको किसी कोचिंग किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जिन टॉपिक्स के लिए आपको गाइडेंस चाहिए वो मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं. आप उन टॉपिक्स को देखिए और अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाइए. चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को. सबसे पहले बात करते हैं कि हमने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. देखिए, आप क्लास 12th की जो बैटल में जाने वाले हैं, ऑलरेडी आप आ चुके हैं इस बैटल में, तो इस बैटल में उतरने से पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करनी होगी. कुछ प्रीवियस नॉलेज आपके पास होना चाहिए. तो वो क्या नॉलेज है, वो क्या टॉपिक हैं जो आपको आपके तैयार होने चाहिए, या यदि नहीं है तैयार तो अभी ये वेकेशंस चल रहा है, स्टिल वी आर हैविंग 15 to 20 days, आप भी अपने ये टॉपिक तैयार करके रख लीजिए. सबसे पहला काम आपने इन वेकेशंस में यही करना है, बचे हुए जो दिन हैं वेकेशंस के, आप इसमें ये जो टॉपिक हैं ये तैयार करिए. तो क्लास 11th में आपने पढ़ी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप लोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं GOC. आपने GOC तैयार करनी है. घबराइए नहीं, यदि आप पूरी GOC अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बता रही हूँ, ये टॉपिक आप तैयार करिए. आपको ये टॉपिक जो है वो क्लास 12th में काम आने वाले हैं. क्लास 11th की GOC में आपने कुछ टॉपिक पढ़े हैं, पूरी GOC आप नहीं पढ़ सकते हैं यदि, कोई बात नहीं, ये कुछ टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, ये ज़रूर तैयार करिए. तो क्लास 11th में आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है, यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आपको आना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नेम्स. इनके बिना हमारा केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है. तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि नहीं क्लियर है, स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका, टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें आप अपना ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. इससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं. मैंने बहुत बेसिक लेवल से IUPAC नॉमेनक्लेचर को समझाया हुआ है, आप उन वीडियोस पर जाइए. और कुछ प्रैक्टिस वाले वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उन प्रैक्टिस वीडियोस को भी देखिए. आई एम श्योर आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो पहला टॉपिक जो आपने प्रीवियस क्लास से प्रिपेयर करना है अपनी 12th बैटल के लिए, दैट इज IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगला टॉपिक जो आपने तैयार करना है, दैट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड. इस टॉपिक को आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो क्लास 11th की बुक में से ये टॉपिक आप उठाइए और पढ़िए. अभी इस पूरा नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने इसमें से टॉपिक लेना है इंडक्टिव इफेक्ट. याद आया कुछ? तो इंडक्टिव इफेक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है. इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसके टाइप्स, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट किस ग्रुप का ज़्यादा होता है किस ग्रुप का कम होता है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का, ये भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है. ये जो टॉपिक हैं, ये दोनों ही टॉपिक एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काम आएंगे.
इंडक्टिव इफेक्ट बहुत सारे गिव रीजंस में आपको काम आएगा कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्टिविटी जब हम कंपेयर करेंगे अदर कंपाउंड से, तो वहाँ पर रीजन के फॉर्म में आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा एक और टॉपिक जो आपने तैयार करना है क्लास 11 से ही, दैट इज़ रेजोनेंस। वॉट इज़ रेजोनेंस? इसके भी टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस मतलब प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट, जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो रेजोनेंस आपको अच्छे से तैयार करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते भी आपको आना चाहिए। ये टॉपिक भी अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करेगा, जैसे कि फिनॉल का एसिडिक नेचर क्यों होता है, जब आप वहाँ मतलब जहाँ भी बेंजीन रिंग आ जाएगा ना, उसके बहुत सारे रीज़न, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप इस रेजोनेंस की हेल्प से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रेजोनेंस तैयार करिए, ये वो टॉपिक हैं जो आपने तैयार करना है। हाँ, एक और टॉपिक मैं आपको बोलूँ, अटैकिंग एजेंट्स आपने पढ़े हैं, तो अटैकिंग एजेंट्स जिसमें आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल, तो आपने इसमें से न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहले ही चैप्टर है ना, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, उसमें बार बार आप आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस, तो उसके लिए हमारा बेस तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं आप अच्छे से तैयार करिए, और इलेक्ट्रोफाइल चाहें तो आप इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लीजिए, बट इसमें से आपने न्यूक्लियोफाइल ज़रूर तैयार करना है, बहुत अच्छे से तैयार करिए। क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, उन पर क्या चार्ज होता है, एग्जांपल्स उनके तैयार करिए, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको काम आने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं, जरा से टॉपिक मैंने आपको बताएं, क्लास 11 से पूरी GOC तो आपने पढ़नी नहीं है, ये स्पेशल टॉपिक आप पढ़ लीजिए यदि आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं GOC। तो क्या क्या पढ़ना है आपने, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे से तैयार करिए, इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट पूरा टाइप्स के साथ में, पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट विद एग्जांपल्स विद ऑर्डर आप तैयार करिए इसको। इसके अलावा रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करिए, अभी टाइम है आपके पास, ये कर सकते हैं आप। और अटैकिंग एजेंट्स में मेनली आपको तैयार करना है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का, आई होप ये बेसिक नॉलेज पीरियोडिक टेबल का हर किसी को है, आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब डी और एफ ब्लॉक कहाँ पर है, कैसे हम एलिमेंट्स को किसी ब्लॉक में रखते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। थोड़ा सा क्लास 11th का जो मैंने बना रखा है प्लेलिस्ट, उस पर जाइए, आपको ये सारे वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। ये तो बात हो गया प्रीवियस नॉलेज का, आपको 11th क्लास से क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ताकि आपका क्लास 12th केमिस्ट्री अच्छा रहे। अब हम बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री सिलेबस पर, कि हमारे क्लास 12th केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं। तो आप सभी को मालूम है क्लास 12th केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 10, जिसमें से 5 चैप्टर्स जो हैं दे आर फ्रॉम फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, and remaining 5 chapters are from organic chemistry। तो मैं जो आपको बार बार वो टॉपिक पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, वो इसीलिए बोल रही हूँ कि आपका जो हाफ सिलेबस है क्लास 12th का, दैट इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए वो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है, न्यूक्लियोफाइल है, रेजोनेंस है, IUPAC नॉमेनक्लेचर है, ये तैयार होना चाहिए। ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको ये टॉपिक तैयार करने में, मुश्किल से हार्डली बहुत अच्छे से भी पढ़ेंगे ना तो 5-6 डेज में ये टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो ये टॉपिक आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपका हाफ सिलेबस 12th का, हाफ चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। हाँ, जो 5 चैप्टर्स फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं, आउट ऑफ 5 जो 3 चैप्टर्स हैं दे आर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री एंड 2 चैप्टर्स आर फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, 2 ही चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, ये 2 चैप्टर्स हैं, बहुत इजी हैं, बिल्कुल टेंशन मत करिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में हैं उनका उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, और आपको किस तरीके से पढ़ना है ये भी बता रही हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, जो 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये जो 3 चैप्टर हैं दीज आर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री।
इन चैप्टर्स को आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ आपने प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि हमारे पेपर में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इन्हीं तीन चैप्टर्स से आएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो न्यूमेरिकल आते नहीं है, ना ही ऑर्गेनिक से आते हैं। तो ये जो तीन चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, इनसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट शॉर्ट में तैयार करना है और साथ में आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है। यदि आप केवल क्लास ट्वेल्थ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं केमिस्ट्री में, तो आप केवल और केवल एनसीईआरटी फॉलो करिए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। हाँ, हेल्पिंग हैंड के फॉर्म में आप अदर नोट्स जो हैं वो प्रेफर कर सकते हैं, बट न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। तो आप केवल एनसीईआरटी के जो इनटेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं और एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप अच्छे से यदि तैयार कर लेते हो, इन्हीं से रिलेटेड या इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कई बार तो एग्जाम्पलर्स ही उठाकर पेपर में दे भी दिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट तैयार करिए। कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है फॉर क्लास ट्वेल्थ। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बता दिया आपको, रिमेनिंग दो चैप्टर्स हैं, आप टेंशन मत लीजिए, वो बहुत इजीली तैयार हो जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ हमारे आधे सिलेबस के बारे में, दैट इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने कैसे पढ़ना है? सबसे पहली चीज़ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपने बनाने हैं, मतलब टोटल पूरी जो केमिस्ट्री है इसके लिए सबसे पहले आपने बनाने हैं नोट्स, अपने अकॉर्डिंग आपकी स्टाइल में आपको नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स अदर देन आपकी क्लास नोट्स के होने चाहिए, ये आपके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, आपकी स्टाइल में बनाएंगे तो आपको जल्दी याद होगी। पूरे नोट्स नहीं बना सकते हैं, कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आप नोट्स बनाइए। और ये जो नोट्स होना चाहिए ये शॉर्ट फॉर्म में होने चाहिए। तो सबसे पहला रूल मैं आप या टिप मैं आपको दे रही हूँ या स्ट्रैटेजी समझ लीजिए कि आपने जैसे ही एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं आप उस टॉपिक को समझिए और अपनी स्टाइल में उसके शॉर्ट में नोट्स बनाइए, है ना? ओके, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं वो होती हैं रिएक्शंस, प्रिपरेशन मेथड्स होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बहुत सारी होती हैं क्योंकि इसलिए मिक्स हो जाती हैं। तो ये कैसे आप तैयार करें, पहले तो ये रिएक्शंस तैयार करना है, स्पेशली जितनी भी नेम रिएक्शंस जिनको हम बोलते हैं, जो साइंटिस्ट जनरली साइंटिस्ट के नेम पर होती हैं या कई बार प्रोडक्ट के नेम पर रख दी जाती हैं, तो ये जो नेम रिएक्शंस हैं इन नेम रिएक्शंस को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इन नेम रिएक्शंस को आपको नहीं छोड़ना है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जो भी चैप्टर्स हैं उसमें जितनी भी नेम रिएक्शंस आने वाली हैं, चाहे वो कोल्बे-श्मिट रिएक्शन हो, रिमल-टिमन रिएक्शन हो, या फिर क्लेमेंसन हो, या फिर पर्किंस हो, ये नाम आप धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे जब आप साल भर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इन नेम रिएक्शंस को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, अपने नोट्स तैयार करिएगा, बार बार बोल रही हूँ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अब नोट्स कैसे तैयार करें, आप कॉपी में जो भी लिखें वो तो ठीक है, आप एक पेज पर रिएक्शन का नेम लिखिए और उसकी इक्वेशन लिख लीजिए, है ना? जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, या कोल्बे-श्मिट रिएक्शन है, या रिमल-टिमन रिएक्शन है, आपने हेडिंग बनाया, उसके बाद उसके रिएक्टेंट्स के फॉर्मूला गिव्स उसके प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज लिखिए, नीचे नाम लिख लीजिए आप उनके, रिएक्टेंट का नाम उसके फॉर्मूला के नीचे लिख दीजिए, प्रोडक्ट का नाम उसके फॉर्मूला के नीचे लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका पूरा रिएक्शन जो है वो एक लाइन में तैयार हो जाएगा। यदि रिएक्शन के लिए कोई स्पेशल कैटलिस्ट यूज़ होता है तो एरो पर उस कैटलिस्ट को लिख दीजिए, उन कंडीशंस को लिख दीजिए। तो थ्योरी लिखने की बजाय आप शॉर्ट में वन लाइन में उस नेम रिएक्शन का इक्वेशन लिखिए, ऐसे एक पेज पर 5-6 जितनी भी रिएक्शंस आप शॉर्ट में लिख सकते हैं लिखिए, और इस पेज को आप जहाँ भी कुछ टाइम तक बैठते हैं, जहाँ भी आप बार बार आते जाते हैं, जैसे आपका स्टडी टेबल है जहाँ वहाँ आप काफ़ी टाइम तक बैठते हैं, तो अपने स्टडी टेबल के पास में या ड्रेसिंग टेबल के साइड में आप इसको स्टिक कर सकते हैं,
आपका डाइनिंग एरिया है वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। तो ऐसा ऐसी कोई भी जगह, आपका गैलरी हो सकता है, आपका वॉशरूम हो सकता है, तो ऐसा कोई भी जगह जहाँ आप कुछ टाइम तक बैठते हैं या आपका बार बार आना जाना होता है, उन जगहों पर इन पेजेस को आपको स्टिक करके रखना है। दो तीन कॉपी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, और इनको लगा दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप बार बार, आपको ज़्यादा लर्न नहीं करना है, आप बार बार जब उन जगहों से आएंगे जाएंगे, खड़े होंगे कुछ टाइम, जब आप तैयार होंगे और मिरर के सामने तैयार होंगे, आपके सामने लगा होगा वो पेज, तो क्या होगा, वंस और ट्वाइस आपकी नज़र उस पेज पर जाएगी। डेली जब आपकी नज़र उस पेज पर जाएगी, आपको धीरे धीरे वो रिएक्शंस अपने आप लर्न होने लगेंगी। तो ये पेजेस आप उन जगहों पर ज़रूर लगाइए जहाँ पर आपका बार बार आना जाना होता है, आप कुछ टाइम वहाँ पर अदर देन स्टडी स्पेंड करते हैं। स्टडी टेबल के आसपास तो आपने डेकोरेट करने ही है, इस बार घर वालों को बोल देना है कि ये दिवाली केमिस्ट्री वाली है ना, तो आपका घर इस बार केमिस्ट्री के जो नोट्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, उससे डेकोरेट हो ही जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपने ऑर्गेनिक रिएक्शन, हर चैप्टर की ऑर्गेनिक रिएक्शंस शॉर्ट में लिख कर स्टिक करना है और आते जाते उनको वंस और ट्वाइस आपको पढ़ते रहना है। आप देखिएगा विद इन 2 मंथ्स आपको जो रिएक्शंस हैं, जो ऐसे बैठकर आपको लर्न नहीं हो रही थी या कंफ्यूज कर रही थी, वो बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि ये याद करना आप सब के लिए बहुत कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा कैसे पढ़ना है, आपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, आपकी अपनी हैंडराइटिंग में लिखे हुए, अपनी स्टाइल में लिखे हुए जो नोट्स होते हैं ना, वो हमको बहुत जल्दी समझ में आते हैं, तो इसलिए सभी को नोट्स बनाना चाहिए। मैं भी बनाती हूँ अपने ओन हैंडराइटिंग में जो नोट्स होते हैं। देखिए, मैं तो बोर्ड भी यूज़ करती हूँ इसीलिए, क्योंकि ये लिखे बिना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो अपनी ओन हैंडराइटिंग में जब नोट्स होते हैं ना, वो जल्दी लर्न होते हैं, ये हमारा साइकोलॉजी है। तो नोट्स ज़रूर बनाइए, कैसे भी टाइम निकालिए, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग में नोट्स होना चाहिए। इसके अलावा अब कैसे पढ़ना है आपने, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो काफ़ी बड़ा है, 5 चैप्टर्स हैं, और इसमें से आउट ऑफ 5 जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आपको बड़ा कंफ्यूज करेंगी, क्योंकि वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। तो कैसे आप पढ़ेंगे, कैसा प्लान करें आप, तो देखिए एक मैं आपको चीज़ बताऊँ कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करें, मैं यही स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ अपनी क्लास में, कि पहले आप फिज़िकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़िए, या आप ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़िए, अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक से मत लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर आप लीजिए फिज़िकल केमिस्ट्री से, या आपने फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ा है तो नेक्स्ट चैप्टर आप अब आ जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऐसे ऑल्टरनेट फॉर्म में आप चैप्टर्स तैयार करिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत बोर हो जाएंगे, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, और इस तरीके से यदि अल्टरनेट करके पढ़ेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री देन ऑर्गेनिक देन फिज़िकल केमिस्ट्री देन ऑर्गेनिक, मतलब एक अल्टरनेटिंग फॉर्म में जब आप केमिस्ट्री के 2 पोर्शंस तैयार करेंगे ना, तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी बना रहेगा और आपका दोनों तरफ कमांड बराबर बना रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी है जो मेरे हिसाब से आपके लिए भी वर्क करेगी। अभी तक जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी मैंने इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी प्लान करके दी है, उनके लिए ये बहुत काम आई है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके आप पर भी वर्क करेगी। आप भी आफ्टर 2 or 3 months मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने आपको कितना फ़ायदा हुआ ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके। फ़ायदा होता है तो मेरे चैनल को और बच्चों तक पहुँचाइए, ये टिप्स ये स्ट्रैटेजी और बच्चों में शेयर करिए, ताकि उन बच्चों में भी केमिस्ट्री को लेकर जो एन्जाइटी है, जो घबराहट है, वो कम हो जाए और वो केमिस्ट्री के लिए कॉन्फिडेंट हो।